गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ कार्तिक सिंह एंड टुडे आई विल डिस्क्राइब अबाउट सुभाष चंद्र बोस। ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर नेशनलिस्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इन्होंने भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इनकी 10वीं तक की पढ़ाई कटक के यूरोपियन स्कूल तक हुई थी। 1930 में 10वीं में सेकंड रैंक आने पे इनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में हो गया, पर ये बहुत ही नेशनलिस्ट थे इसलिए वहाँ से उनको एक्सपेल कर दिया गया। कॉलेज से एक्सपेल होने के बाद इनके पिता बैरिस्टर थे, उन्होंने इनको बुलाया और इन्होंने इनसे कहा कि आप ICS की तैयारी करें। ICS की तैयारी इंडियन सिविल सर्विस, जो कि 4 साल की होती थी और इंडिया में होती नहीं थी, ये लंदन में होती थी। तो ये लंदन गए और उन्होंने 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में पूरी कर ली और पूरे ICS में 4th रैंक हासिल की। अमूमन कोई भारतीय उस परीक्षा में पास भी नहीं होता था, इन्होंने अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ के 4थी रैंक हासिल की। देश प्रेम की भावना इतनी अधिक थी कि इन्होंने ICS की नौकरी को 1921 में ही त्याग दिया। सभी लोग हैरान हुए कि ऐसा कौन है जिसने ICS की नौकरी को छोड़ दी। इनके पिता और इनके बड़े भाई ने इनको बहुत समझाए लेकिन ये नहीं माने, तो सभी लोग इनको जानने के लिए देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। फिर जब ये लंदन से मुंबई पानी के रास्ते से आए तो हजारों की भीड़ को देख के बोस के मन में एक बात आई, मैंने एक छोटी सी नौकरी छोड़ दी तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए, अगर मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो मैं पूरे देश के लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ। सन 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के गांधी और नेहरू के साथ मतभेद थे लेकिन मनभेद नहीं था। अंदर से वो दोस्त थे और गांधी को अपना गुरु मानते थे। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इरविन ने गांधी को आज्ञा दी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस एक प्रकार का इंडिपेंडेंस होता है जिसमें आप स्वयं के इलेक्शन करा सकते हैं, स्वयं के मिनिस्टर बैठा सकते हैं, और इसका प्रस्ताव उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इसका पूर्ण विरोध किया। उन्होंने कहा मुझे कम्प्लीटली स्टेटस चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। उन्होंने गांधी और नेहरू को समझाया कि ये एक ऑटोनोमस कम्युनिटी हो जाएगी लेकिन चलाएगा इसको ब्रिटिश एम्पायर ही। इसके डिफेंस में, फॉरेन रिलेशन में, कम्युनिकेशन में सारे डिसीजन ब्रिटिश सरकार ही लेगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके थे 1928 तक और इन्होंने गांधी और नेहरू को मना लिया। तब तक बात चल ही रही थी डोमिनियन स्टेटस की। उसी वक्त लाहौर अधिवेशन 1930 में इन्होंने पूर्ण स्वराज का झंडा फहरा दिया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे नेताजी का कद भी बढ़ रहा था। सन 1939 में गांधी नेहरू इनकी विचारधाराओं से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं थे क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे और वह सभी नरम दल के नेता थे। गांधी जी और नेहरू जी से सुभाष चंद्र बोस ने कहा वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने वाला है और पूरी दुनिया अपनी आज़ादी के लिए लड़ेगी, क्यों ना हम भी अंग्रेज़ों पर वॉर कर दें क्योंकि अंग्रेज़ इस समय कमज़ोर होंगे। पर गांधी ने मना किया और उन्होंने कहा नहीं, हम शांति और प्रेम भावना से आज़ादी को प्राप्त करेंगे। गांधी जी की इस बात से नाराज हो गए और सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में इलेक्शन की बात हुई। गांधी जी ने इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सीतारमैया को साउथ से लाया और पूरे भारत में उसके उनके लिए वोट मांगे और उन्होंने कहा कि अगर सीतारमैया जीते यानी मैं जीता। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का आशीर्वाद लिए और वहां से चले गए। जब प्रेसिडेंट के वोट के नतीजे आए तो बिल्कुल ही विपरीत और सभी हैरान हो गए। सीतारमैया 1375 सीट्स थी और सुभाष चंद्र बोस 1580 सीट्स, वह प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए। परंतु गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया एक सच्चे शिष्य के भांति, और इन्होंने बोला कि हमारी विचारधाराएं जरूर अलग हैं पर हमारा देश को आज़ाद कराने का मकसद बिल्कुल एक ही है, और वो वहां से चले गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद पुलिस ने इनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया, 12 बार जेल में डाला और इनके घर के बाहर CID लगा दी ताकि बोस किसी से मिल ना सकें, बिना बातचीत कर सकें। इन्होंने सोचा देश के अंदर तो बात बन नहीं रही है, इसलिए इन्होंने कांग्रेस से बोला कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, और लोगों से बोला गांधी के सपोर्ट में रहिए। और ये इतने इंटेलेक्चुअल थे कि ये देश से बाहर आ गए। इन्होंने सोचा मैं बाहर निकल कर क्यों ना ग्लोबल अलायंस को बिल्ड करूं और जियोपॉलिटिक्स एडवांटेज को भारत में लाऊं। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और 2 तरह की लड़ाइयाँ थीं,
एक्सिस अलायंस जिसमें जर्मनी, इटली, जापान थी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी आ रही थी और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी एक साथ आ गई थी, और दूसरी अलाइड पावर इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जीती थी और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी साथ में थी। अब बात ये थी कि भारत की अगेंस्ट इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड अलाइड पावर था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक्सिस अलायंस से मदद ली जाए, इसलिए इन्होंने बाहर जाने का निश्चय कर लिया। अब मज़े की बात ये समझिए, तेज वो नहीं होते हैं जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पर वार करते हैं। पहला ट्राई इन्होंने सोवियत यूनियन पर ही किया, यूएसएसआर जो अब रसिया है। इनके फ्रेंड मियां अकबर शाह जो कि पेशावर में रहते थे, उनको इन्होंने टेलीग्राम भेजा और बोला कि भाई मुझे मदद चाहिए, और पेशावर से कलकत्ता बुला लिया, और उन्होंने अपने भतीजे चेसिर की मदद से एक कार में पीछे वाली डिग्गी में छुप के दब के सीआईडी से बचते बचाते उन्होंने पहले धनबाद पहुँचे, धनबाद से काबुल, काबुल से मॉस्को जाने का प्लान बनाया। लेकिन बचते बचाते ये जर्मनी पहुँचे, और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद इन्हों को हिटलर से मिलने का अपॉइंटमेंट मिल गया। अब ये ड्राइंग रूम पे बैठे थे, वहाँ से हिटलर आए मिलने और उन्होंने बोला हाँ मैं हिटलर हूँ, हाथ बढ़ाया आगे। इन्होंने बोला मैं सुभाष भारत से आया हूँ, और उनसे कहा नहीं मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना है। फिर वो बोला हिटलर तो मैं ही हूँ, तो फिर वो अंदर चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, फिर भी उसने यही किया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा हाँ मैं सुभाष हूँ, मैं भारत से आया हूँ, मुझे हिटलर से मिलना है। तीन चार बहुरूपी आए इसके पास, हिटलर को जाके बताया कि वो सबको पहचान गया। फिर हिटलर स्वयं बाहर आया और उन्होंने कहा बोलो क्या बात है। सुभाष चंद्र बोस जी बोले हाँ मैं सुभाष भारत से आया हूँ, और मैं आपसे मिलने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझसे मिलने के लिए अपना कीमती समय निकाला। हिटलर ने कहा आपने पहचाना कैसे कि वो आए, और आप समझ कैसे गए कि वो मैं हिटलर नहीं था, पूरी दुनिया में तो आज तक कोई नहीं समझ पाया। उन्होंने बोला कि मैं एक परितंत्र देश से आया हूँ, और हिटलर के चेहरे पर गर्व नहीं दिख रहा था, आपके जितने भी बहुरूपिये थे वो सब शांत और नर्म स्वभाव के लगे, और किसी के चेहरे पर गर्व नहीं दिख रहा था, और सबने अपना हाथ आगे पहले बढ़ाया, तो मैं समझ गया कि ये हिटलर नहीं है। और फिर हिटलर ने उनकी काफ़ी सराहना की, और उनके बीच एक बात हुई, और हिटलर ने युद्धबंदी जो बनाए थे इंग्लैंड से, 4000 युद्धबंदी बनाए थे, वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज का। हिटलर इस मुलाकात से इतना प्रभावित हो गया कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप जर्मनी चूँकि इंडिया से बहुत दूर है, तो आप जापान में जाइए और मैं आपको वहाँ पर भेज देता हूँ, क्योंकि जापान भी एक एक्सिस अलायंस है, हमारे साथ का ही देश है, तो जापान आपकी मदद करेगा। अब यहाँ अंग्रेज़ों को पता चल चुका था कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए हैं, और पूरे भारत में खलबली मच चुकी थी। सुभाष चंद्र बोस पूरे भारत में कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं, सुभाष चंद्र बोस एक इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड कर रहे थे भारत के लिए। अब ये जापान जाते हैं और जर्मनी में हिटलर इनके लिए एक पनडुब्बी का निर्माण करता है, जो कि पानी के नीचे और पानी के ऊपर दोनों सतह पर चल सकती है। पनडुब्बी इनको सुमात्रा नामक द्वीप में पहुँचाता है जो कि अब इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप को जापान ने जीता हुआ था, वह जापानी आर्मी के कब्जे में था। सुमात्रा द्वीप वह पनडुब्बी से 90 दिनों के अंतराल में पहुँचे थे। सुभाष चंद्र बोस सुमात्रा द्वीप से प्लेन के द्वारा टोक्यो पहुँचे, और वे ये बात जानते थे कि जापान अपने वर्चस्व की लड़ाई एशिया में कर रहा है। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री को बहुत ही अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस किया, और उन्होंने उनसे कहा कि आपके यहाँ भी बुद्ध हैं, हमारे यहाँ भी बुद्ध बहुत ही पूजे जाते हैं, इस वजह से हम भाई और भाई हुए। और जापान के प्रधानमंत्री उनसे इतनी अच्छी तरह से इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की हम पूरी मदद करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई में। सुभाष चंद्र बोस ये बात जानते थे कि सिंगापुर और जापान का युद्ध चल रहा है। उस समय सिंगापुर में अंग्रेजी सैनिक 85,000 थे, जिसमें से केवल भारतीय सैनिक 45,000 थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के प्रधानमंत्री से कहा कि आप वहाँ से बम गिराएंगे तो बम के साथ हमारे पत्र भी गिरा देना। तो उन पत्रों में लिखा हुआ था कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर उनके साथ लड़ते रहोगे। ये रणनीति काम आई, और सिंगापुर में जब बम गिराए गए तो यही पत्र फेंके गए, और काफ़ी सैनिक वहाँ पर विद्रोह करने लगे, और इस वजह से अंग्रेज वहाँ पर युद्ध हार गए और जापान के कब्जे में सिंगापुर आ गया। और जापान के प्रधानमंत्री ने
45,000 सैनिक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और यहीं से आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है। रास बिहारी बोस जो वहाँ पर इंडियन लोगों को तैयार करते थे, आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार एक महिलाओं की ब्रिगेड भी बनाई जिसे रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के नाम से जाना जाता था। जापान बर्मा को जीत चुका था और यहाँ अंग्रेजों में बहुत खलबली मच गई कि कोई बहुत बड़ी तैयारी चल रही, बहुत बड़ा विद्रोह होने वाला है। और जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने एक प्लान बनाया, नागा जो कि नागालैंड में है, नागा की पहाड़ियों से होते हुए मैदानी क्षेत्र में जाकर अंग्रेजों को खदेड़ेंगे। और पहली बार अप्रैल 1944 में ब्रिटिश सेना को खदेड़कर पहली बार मणिपुर में सुभाष चंद्र बोस ने अपना झंडा फहराया। यहाँ पर महात्मा गांधी जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, अगर भारत के मुसलमान, हिंदू, ईसाई ये सब चाहते हैं किसी एक लीडर को, वो थे सुभाष चंद्र बोस। दुर्भाग्यवश अगर 1945 में जीवित होते 1945 के बाद तो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी यही बनते। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की इज्जत तो बहुत करते थे पर मतभेद जरूर थे। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार रेडियो के माध्यम से कहा भी था कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। दुर्भाग्यपूर्वक अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया जिससे कि जापान के लोगों में बहुत ही तहलका मच गया। वर्ल्ड वॉर 2, इस बम गिराने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था। जापान ने अपने सैनिकों को वापस बुलवा लिया और सुभाष चंद्र बोस की सारी सेवाएं जापान से बंद हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने सेनाओं को नॉर्थ ईस्ट से वापस बुलवा लिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई रणनीति बनाई और उन्होंने USSR से जाके नए अलायंस बिल्ड करके भारत में नई योजनाएं लाने की कोशिश की। सुभाष चंद्र बोस ने वियतनाम से जापान पास में था इसलिए उन्होंने वियतनाम से मॉस्को में एक उड़ान भरी। फिर खबर आती है कि ताइवान पोर्ट के पास उनका विमान क्रैश हो चुका है जिससे सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो चुका है, लेकिन यह खबर की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है और यह रहस्य आज तक बना हुआ है। यह खबर सुनते ही अंग्रेजों ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर क्राइम वॉर का तहत मुकदमा जाहिर कर दिया और सुभाष चंद्र बोस के 3 सबसे करीबी आज़ाद हिंद फौज के सीनियर शहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, पीके सहगल को दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। और इनसे जब पूछा गया कि आपने आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़कर गलत किया या सही किया, तो इन्होंने बिल्कुल गर्व के साथ बोला कि हमने आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़कर बिल्कुल सही किया। इसकी पुष्टि 1956 में उस समय मिलती है जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली भारत आए। वो उस समय 1945 से 1951 के बीच प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के स्वतंत्रता एक्ट पर भी साइन इन्होंने ही किया था 1947 में। जब इनसे पूछा गया कि आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए थे, आप वर्ल्ड वॉर 1 भी जीत गए थे, तो आपने भारत क्यों छोड़ा, तो इन्होंने बोला कि हमारे सैनिक पूरे टूट चुके थे, हमारे सैनिकों की संख्या केवल 40,000 बची थी और आपके सैनिकों की संख्या 25,00,000 बची थी, जिससे कि हम सैनिक हमारे पूरे अंदर से टूट चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फिर दूसरी तरफ एक खौफ ये था कि कहीं से आज़ाद हिंद फौज दोबारा ना आ जाए। क्लेमेंट एटली जी से जब पूछा गया कि आपको नरम दल गांधी नेहरू से कोई खतरा, तो उन्होंने बोला उनका कोई खतरा तो था ही नहीं। इस सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का भारत को आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुभाष चंद्र बोस की देहांत 1945 में हो गया ये भी एक थ्योरी है। जनरल GD बख्शी ने बताया कि अंग्रेजों ने उनको टॉर्चर किया और प्रिजन में मार दिया, ये एक दूसरी थ्योरी है। बोस जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट में इन्वॉल्व हो गए, ये एक तीसरी थ्योरी है। और बोस आगे चलकर बाबा बन गए, गुमनामी बाबा के नाम से जाने लगे, ये एक चौथी थ्योरी है। और बोस का प्लान 18 तारीख को क्रैश हुआ था जिसकी न्यूज़ 23 तारीख को आई थी, तो इसकी भी कोई पुष्टि नहीं मिलती है। मुखर्जी कमीशन के अनुसार ताइवान में कोई प्लेन उस दिन क्रैश हुआ ही नहीं था। बोस की अस्थि कलश आज भी फ्रेंको जी मंदिर में रखा गया है जिसका DNA आज भी नहीं टेस्ट कराया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस की मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, लेकिन जो इन्होंने भारत के लिए किया वो शायद ही कोई कर पाता। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।